Now, I kneel before no one. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा एक और नए वीडियो में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्लैक एडम मूवी का। रिव्यू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है। मतलब अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये रिव्यू देख सकते हो। देखो, मैं कॉमिक्स के स्टोरी के बारे में नहीं जानता क्योंकि मैंने कॉमिक्स पढ़े नहीं है, तो जो कि ब्लैक एडम की स्टोरी है जो कि कॉमिक में दिखाई है तो वो मुझे पता नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ब्लैक एडम मूवी देखने गया था और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये रिव्यू बताऊंगा। देखो, खंडक करके एक रीजन है जहाँ पे एक राजा है, लोगों पे अत्याचार कर रहा है, लोग गुलामी का जीवन जी रहे हैं, उसी में जन्म होता है ब्लैक एडम का। पावर कैसे मिलते वो सब मूवी में दिखाया है। उसके बाद में कुछ इंसिडेंट के वजह से उसे दफनाया जाता है। फिर मूवी के स्टार्टिंग में ही ये मोहतरमा उसको आजाद कर देती है। उसके बाद में ब्लैक एडम आजाद हो जाता है और वहां पे तबाही मचाता है। उस तबाही के वजह से जस्टिस लीग सोसाइटी के मेंबर्स उसे रोकने के लिए आते हैं और फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। तो ये प्लॉट है मूवी का ओवरऑल। अगर आप इसमें कैरेक्टर्स देखोगे तो जस्टिस लीग सोसाइटी से हमें एटम स्मैशर दिखता है, हमें साइक्लोन देखने को मिलती है, उसके बाद में हॉकमैन दिखता है, डॉक्टर फेट दिखते हैं। तो इन चारों के पावर्स अच्छी खास से इंट्रोड्यूस होते हैं। ज्यादातर टाइमिंग डॉक्टर फेट और हॉकमैन को दिया है और उन्होंने बहुत सही रोल निभाया है। बात करें एटम स्मैशर और साइक्लोन की तो उनको कम टाइम मिला है। डॉक्टर फेट और हॉकमैन के जो कैरेक्टर है वो ज्यादा हमें कनेक्ट नहीं कर पाता। मतलब उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बट एक ही मूवी में वो हमें इंट्रोड्यूस होते हैं और उनका परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अगर उनकी कोई बैक स्टोरी की इंडिविजुअल मूवी होती मुझे लगता है ये मूवी और भी सही दिखती, क्योंकि हम लोग उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते। हमें अगर उनके पावर्स पहले ही पता होते, उनकी पोटेंशियल पहले पता होती तो हम लोग ज्यादा उन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट कर पाते और ये मूवी ज्यादा एंजॉय कर। और अगर ब्लैक एडम बारे में बात करें तो भाई बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। इसमें उसके विजुअल्स, जहाँ जहाँ पे ब्लैक एडम एंट्री होती है, जहाँ जहाँ पे भी एक्शन सीन्स होते हैं वहाँ पे विजुअल्स बहुत अच्छे हैं। दूसरे मुझे विजुअल्स अच्छे लगे, जो साइक्लोन है वो जब पावर यूज करती है तो उस टाइम पे जो विजुअल्स दिखते हैं वो भी बहुत सही लगते हैं थिएटर में देखने के लिए। मुझे लगता है टीवी पे या फिर मोबाइल में इतने अच्छे खासे वो नहीं दिखेंगे, थिएटर में बहुत सही दिखते हैं। तो विजुअल्स के मामले में कहीं पे भी कोई कमी नहीं है, एक्शन के मामले में भी कोई कमी नहीं है। जो एक्शन सीन्स दिखा है इसमें, खास करके ब्लैक एडम के, बहुत सही दिखाए गए हैं। और अगर आप मूवी देख रहे हैं तो उसमें आपको डॉक्टर फेट, हॉकमैन और ये एटम स्मैशर है, इनका थोड़ा बहुत कनेक्शन हम लोगों को मार्वल के कैरेक्टर से लगता है। लाइक डॉक्टर फेट को हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज से कनेक्ट कर पाते हैं, हॉकमैन को मैं बोलूंगा उसकी जो मैच्योरिटी हॉकमैन की वो कैप्टन अमेरिका उसके मैच्योरिटी लेवल पे मुझे दिखता है, जो कि लीड कर रहा है इस जस्टिस लीग सोसाइटी को। और उसके जो एक्शन सीन्स है या फिर उसकी जो पावर्स है वो फाल्कन की तरह है। तो मैं बोलता हूँ फाल्कन और कैप्टन अमेरिका का कॉम्बो हॉकमैन है। और उसके बाद में एटम स्मैशर तो एंटमैन का बिगर वर्जन ही एटम स्मैशर दिखता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक है, एक्शन हो या अदर सीन्स हो तो उसको वो सपोर्ट करता है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे लगती है, जो कि मैंने पहले ही बताई कि इंडिविजुअल उनकी स्टोरी रहती तो हम लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते डॉक्टर फेट और हॉकमैन से, तो वो एक चीज मिसिंग है। तो ओवरऑल अगर मैं बता दूं तो मूवी अच्छी है, मूवी में पूरा एंटरटेनमेंट मिलेगा, एक्शन अच्छा है, विजुअल्स अच्छे हैं, रॉक का लुक अच्छा है। अगर रॉक के फैन हो अब तो आपको ये मूवी देखनी ही है। सुपर हीरो मूवी देखने जा रहे हो तो जो भी आपके एक्सपेक्टेशन रहेंगे वो आपके फुलफिल हो जाएंगे। उससे अगर ज्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे तो फिर निराशा हो सकती है। बाकी एंटरटेनमेंट के मामले में ये मूवी हमें कहीं पे भी कोई निराशा नहीं करती, एंटरटेनमेंट पक्का मिलेगा, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। मेरे तरफ से बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अगर कुछ मिस हुआ हो तो कमेंट करके बताना, और इसी तरह के और रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।